स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, अब तक हमने हमारी इस लेक्चर सीरीज में हिमालयन रेंजेस के बारे में जाना, साथ ही हमने हिमालयन रेंजेस के लॉन्गिट्यूडनल और रीजनल क्लासिफिकेशंस को भी करीब से समझने की कोशिश की। आज के अपने इस वीडियो में हम हिमालय की पहाड़ियों से नीचे उतरते हुए भारत के दूसरे फिजियोग्राफिक डिवीजन नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम जानेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स के कंपोजिशन और जियोग्राफिकल एक्सटेंट या फैलाव के बारे में, साथ ही हम भारत के तीसरे फिजियोग्राफिक डिवीजन यानी कि इंडियन डेजर्ट को भी जानने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि कैसे भारत का थार डेजर्ट एक टाइम में एक समुद्र हुआ करता था। स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। अनुराग पांडे नाम है हमारा, और ऐसे तमाम लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट के लिए आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं या वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी आप वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। आइए आज के अपने सेशन को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम हिमालयन रेंजेस से साउथ की ओर बढ़े तो हमें ईस्ट से वेस्ट अप्रोक्सीमेटली 3200 किलोमीटर लंबा और नॉर्थ से साउथ लगभग 150 से 300 किलोमीटर एवरेज विड्थ वाला मैदानी क्षेत्र देखने को मिलता है। देखा जाए तो इस नॉर्दर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन मिलियंस ऑफ ईयर्स से हिमालय से आने वाली नदियों जैसे कि इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी ट्रिब्यूटरीज द्वारा लाए गए एलुवियल डिपॉजिट से हुआ है। दोस्तों, मैदानी क्षेत्र में इस एलुवियल डिपॉजिट्स की मैक्सिमम डेप्थ ऑफ 1000 से 2000 के बीच में वैरी करती है। फिर ऐसे में अपने रिच सॉइल कवर, एडुकेट वाटर सप्लाई और फेवरेबल क्लाइमेट की वजह से रीजन एग्रीकल्चरली इंडिया के सबसे प्रोडक्टिव रीजन में से एक है। आपको इस नॉर्दर्न प्लेन में भी नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में तीन मेजर जोन्स देखने को मिलते हैं, जिनमें पहला है भाभर, दूसरा है तराई और तीसरा है एलुवियल प्लेन्स। साथ ही इस एलुवियल प्लेन्स में भी खादर और भांगर के रूप में दो सब डिविजन देखने को मिलते हैं। सो आइए हम नॉर्दर्न प्लेन्स के जोन्स और सब डिविजन के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, शिवालिक फुटहिल के स्लोप के ब्रेकअप पर हमें उसके पैरेलली 8 टू 10 किलोमीटर चौड़ी एक कॉन्टिन्यूस नैरो बेल्ट देखने को मिलती है, जो रिवर्स द्वारा बहाकर लाए गए हैवी माउंटेन डिपॉजिट्स जैसे रॉक्स और बोल्डर्स से मिलकर बनी है। दोस्तों, नॉर्दर्न प्लेन्स के नॉर्दर्न मोस्ट जोन में स्थित यही पोरस बेल्ट ही भाभर कहलाती है। आप देखेंगे तो इसी बोल्डर्स और पेबल्स से बनी होने के चलते भाभर एक्सट्रीमली पोरस बेल्ट है, जिसके चलते अक्सर माउंटेन स्ट्रीम्स और रिवर्स जोन में आकर डिसअपियर हो जाती है। यही वजह कि भाभर बेल्ट अपने कंपोजिशन की वजह से एग्रीकल्चर के लिए अनस्टेबल है और यहाँ केवल बड़े और लार्ज रूट्स वाले ट्रीज ही देखने को मिलते हैं। हालांकि भाभर बेल्ट इंडस रिवर से लेकर तीस्ता रिवर तक रिमार्केबल कंटिन्यूटी शो करता है, लेकिन जहां एक ओर ये वेस्ट में ज्यादा एक्सटेंसिव प्रेजेंट है तो वहीं दूसरी ओर ये ईस्ट की तरफ कंपैरेटिवली नैरो होती जाती है। हम अगर भाभर बेल्ट को पार करते हुए साउथवर्ड्स मूव करते हैं तो हमें तराई प्लेन्स देखने को मिलते हैं। तो आइए इस तराई प्लेन के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, दक्षिण दिशा में भाभर से लगे 10 to 20 किलोमीटर वाइड इस मार्शी ट्रैक्ट में भाभर रीजन में डिसअपियर हुई स्ट्रीम्स और रिवर्स रीमर्ज हो जाती है और यही मार्शी ट्रैक तराई कहलाता है। दरअसल यहाँ पर किसी भी तरह का प्रॉपरली डिमार्केटेड चैनल मौजूद नहीं है और ऐसे में ये एक इल ड्रेन्ड, डैम्प और थिकली फॉरेस्टेड नैरो ट्रैक स्वैम्पी कंडीशंस क्रिएट कर देता है। देखा जाए तो अपनी इन्हीं वेट कंडीशंस की वजह से ये एरिया अपने नेचुरल वेजिटेशन की लग्जूरियस ग्रोथ और वेरिड वाइल्ड लाइफ के लिए भी जानी जाती है। यही वजह है कि उत्तराखंड में स्थित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और असम में स्थित काजीरंगा नेशनल पार्क इसी तराई रीजन में स्थित है। आप देखेंगे तो जब हम तराई रीजन से साउथ की ओर बढ़ते हैं तब हमें भांगर और खादर प्लेन्स देखने को मिलती हैं। ऐसे में ये पहले जान लेते हैं कि भांगर और खादर क्या हैं और इनका आपस में क्या इंटररिलेशन है। दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। दोस्तों, प्रीलिम्स को यूपीएससी की परीक्षा का आयरन गेट माना जाता है। इस एग्जाम का सिलेक्शन रेट 1% से भी कम है। इसी मुश्किल को समझते हुए स्टडी आईक्यू आपके लिए लाया है एसआईपी प्लस यानी सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत मात्र 90 दिनों में आप प्रीलिम्स के आयरन गेट को क्रॉस करने में सक्षम हो जाएंगे। क्योंकि इस प्रोग्राम में आपको भारत की सबसे बेहतरीन फैकल्टीज से 200 प्लस आवर्स की लाइव रिवीजन क्लासेस मिलेंगी और इन लेक्चर्स के बाद आपको रिवीजन बुकलेट्स भी मिलेंगी, जिससे आप स्टैटिक और करंट कंटेंट को रिवाइज कर पाएंगे। साथ ही इसमें सीसेट की वर्कशॉप्स, यूपीएससी सिमुलेटर टेस्ट और ऑल इंडिया ओपन टेस्ट भी शामिल हैं। साथ ही कोर्स में सभी एनसीईआरटीज और स्टैंडर्ड टेस्ट बुक्स को भी कवर किया जाएगा। दोस्तों, अगर अभी आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं एंड एन लाइव कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो 11499 तक के प्राइस वाले इस कोर्स को मात्र 5999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस में अवेल कर सकते हैं। इस कोर्स से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट लिंक्स आपको पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, तराई रीजन के ठीक बाद नदियों द्वारा बहाकर लाए गए ओल्डर एल्यूवियम से बने भांगर प्लेन्स देखने को मिलते हैं। देखा जाए तो भांगर टेरेसेस के फॉर्म में रिवर बेड्स के किनारे किनारे और फ्लड प्लेन्स से कुछ हायर एलिवेशन पर देखने को मिलते हैं। भांगर प्लेन्स के सॉयल में कैलकेरियस डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं, जिन्हें लोकली कंकड़ कहा जाता है।
साथ ही भांगर में हमें एनिमल्स के फॉसिल्स भी देखने को मिलते हैं और इस सॉइल का कंपोजिशन अधिक क्ले होने की वजह से जनरली डार्क कलर्ड होती है। साथ ही आपके लिए जानना दिलचस्प होगा कि बंगाल के डेल्टिक रीजन में स्थित बारिंद प्लेन्स और गंगा यमुना दोआब रीजन में मिलने वाले भूर फॉर्मेशंस भांगर के ही रीजनल वेरिएशंस हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गंगा और यमुना के बीच के एनक्लोज्ड रीजन को दोआब कहा जाता है, जहां स्पेशली अपर गंगा यमुना दोआब रीजन में हमें एल्यूवियल सॉइल से बना एलिवेटेड पीस ऑफ लैंड देखने को मिलता है। यही एलिवेटेड पीस ऑफ लैंड जो कि समर्स के हॉट एंड ड्राई मंथ्स में विंड ब्लोन सैंड के एक्युमुलेशन से जो बनता है वही भूर कहलाता है। दोस्तों भांगर के ठीक बगल एक पैरेलल सीरीज की तरह खादर प्लेन्स मौजूद हैं, जो रिवर बैंक्स पर निवर एल्यूवियम से फ्लड प्लेन्स डेवलप करते हैं। अब चूंकि प्लेन्स लगभग हर साल रिवर फ्लड के दौरान रिन्यू हो जाते हैं, जिसके चलते भारत के सबसे फर्टाइल रीजन्स में से एक है। साथ ही भांगर की तुलना में इनका कंपोजिशन कम कैलकेरियस होता है और भांगर की तुलना में इनका रंग भी लाइट होता है। दोस्तों आपने बे ऑफ बंगाल में गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना इत्यादि नदियों के मुहाने पर स्थित सुंदरबन डेल्टा के बारे में तो सुना ही होगा, जो इन रिवर्स द्वारा सदियों से बहाकर लाई जा रही एल्यूवियम से ही मिलकर बना है। और इसी तरह के और भी डेल्टास आपको भारत के पूर्वी तट पर देखने को मिलते हैं। दोस्तों नदियों द्वारा बनाए गए डेल्टा प्लेन्स भी एक तरह के खादर प्लेन्स का ही एक्सटेंशन है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस डेल्टा रीजन में अपलैंड्स को चार कहा जाता है, जबकि डेल्टा प्लेन के मार्शी एरिया बिल कहलाते हैं। दोस्तों इस तरह नॉर्दर्न प्लेन्स का कन्वेंशनल डिवीजन समाप्त होता है, लेकिन हिमालयन रेंजेस की तरह ही नॉर्दर्न प्लेन्स को कुछ रीजनल डिवीजन के आधार पर बांटा जाता है। तो चलिए अब हम नॉर्दर्न प्लेन्स के इसी रीजनल डिवीजन को जरा करीब से जान लेते हैं। दोस्तों ये तो नॉर्दर्न प्लेन्स को बहुत से रीजनल डिवीजन में बांटा जाता है, लेकिन फिर भी इनमें सबसे वेल एक्सेप्टेड डिवीजन के मुताबिक रीजनल बेसिस पर नॉर्दर्न प्लेन्स के चार बेसिक डिवीजन हैं, जिनमें पहला है राजस्थान प्लेन्स, दूसरा है पंजाब हरियाणा प्लेन्स, तीसरा है गंगा प्लेन्स और चौथा है ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। दोस्तों नॉर्दर्न प्लेन्स का सबसे पहले रीजनल वेरिएशन इसके सबसे वेस्टर्न मोस्ट पार्ट से शुरू होता है, जो कि है राजस्थान प्लेन्स। यूं तो राजस्थान को दो भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें पहला है मरुस्थल यानी कि डेजर्ट रीजन, जिसके बारे में डिटेल में हम अपने इसी वीडियो के सेकंड पार्ट में चर्चा करेंगे, और दूसरा भाग राजस्थान बागर रीजन, जो एक सेमी एरिड ट्रांजिशनल प्लेन है, जो एक तरह से डेजर्ट और फर्टाइल प्लेन एरियाज के बीच के ट्रांजिशनल जोन की तरह एक्ट करता है। साथ ही इस रीजन में बहुत सी शॉर्ट सीजनल स्ट्रीम्स और लूनी रिवर की वजह से कुछ हद तक एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज पॉसिबल हो पाई है। दोस्तों राजस्थान प्लेन्स के पूर्व उत्तर में स्थित पंजाब हरियाणा प्लेन्स चेनाब, झेलम, सतलुज, ब्यास और रावी जैसी रिवर्स के डेपोजिशनल एक्टिविटीज से बना है, जो इन रिवर्स द्वारा बहा कर लाई गई एल्यूवियल सॉइल की वजह से काफी उपजाऊ हैं। खास तौर पर इनमें से दो रिवर के बीच का दोआब क्षेत्र भारत के लिए मेजर क्रॉप प्रोड्यूसर बना हुआ है। आप देखेंगे तो यहाँ पर पांच मुख्य दोआब क्षेत्र देखने को मिलते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। दोस्तों इसमें पहला है बिस्त जालंधर दोआब, जो बैस और सतलुज नदी के बीच मौजूद है। दूसरा है बारी दोआब, जो बैस और रावी के बीच मौजूद है। तीसरा है रचना दोआब, जो रावी और चिनाब के बीच मौजूद है। चौथा है चास दोआब, जो चिनाब और झेलम के बीच मौजूद है। और आखिरी और पांचवा है सिंध सागर दोआब, जो झेलू चिनाब और सिंधु के बीच मौजूद है। हालांकि लाखों साल से चली आ रही इन रिवर्स के डेपोजिशनल एक्टिविटीज ने आप देखेंगे तो इन दोआबों के बीच के अंतर को लगभग खत्म कर दिया है, जिसे अब एरिया होमोजीनियस ज्योग्राफिक एंटिटी की तरह दिखाई देता है। लेकिन इस पूरे प्लेन के शिवालिक रेंजेस से लार्ज नॉर्दर्न पार्ट में हमें इंटेंस इरोजन देखने को मिलता है, जो कि यहां की छोटी छोटी वाटर स्ट्रीम्स की वजह से हुआ है, जिन्हें चोस कहा जाता है। दोस्तों पंजाब हरियाणा प्लेन्स के ईस्ट में हमें गंगा और उसकी दूसरी सहायक नदियों जैसे कि यमुना, गोमती, गंडक और कोशी इत्यादि का एक जल देखने को मिलता है। साथ ही इन एक्सटेंसिव प्लेन्स को एनरिच करने में दक्षिण की दिशा से आने वाली नदियों जैसे कि चंबल, केन और बेतवा इत्यादि ने भी अहम भूमिका निभाई है। आप देखेंगे तो वेस्ट में यमुना रिवर चैनल से लेकर बे ऑफ बंगाल में अपने माउथ तक लगभग 3.75 लाख किलोमीटर के एरिया में फैला नॉर्दर्न प्लेन इन्हीं नदियों द्वारा लेकर आई एल्यूवियम से बना हुआ है, जो अपनी फर्टिलिटी के लिए खास तौर पर जाना जाता है। हालांकि दोस्तों गंगा प्लेन्स को भी तीन भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें फर्स्ट है अपर गैंगेटिक प्लेन, सेकंड है मिडिल गंगा प्लेन और थर्ड है लोअर गंगा प्लेन। दोस्तों नॉर्दर्न प्लेन का आखिरी रीजनल डिवीजन ब्रह्मपुत्र प्लेन्स है, जो कि इसके ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में स्थित है। दोस्तों आप इस रीजन में देखेंगे तो ब्रह्मपुत्र और उसके ट्रिब्यूटरीज की लो ग्रेडियंट की वजह से बहुत से रिवराइन आइलैंड्स देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने असम में ब्रह्मपुत्र रिवर द्वारा बनाए गए दुनिया के लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड माजुली के बारे में तो सुना ही होगा। लगभग 352 स्क्वायर किलोमीटर में फैले इस आइलैंड को देखने के लिए देश विदेश के टूरिस्ट यहां पर जमघट लगाए रहते हैं। और इसी तरह ब्रह्मपुत्र प्लेन्स में दूसरे रिवर इरोजनल और डेपोजिशनल लैंड फीचर्स जैसे कि ऑक्सबोज और मीएंडर्स भी बड़ी संख्या में देखने को मिलते हैं। दोस्तों इस तरीके से हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स का डिस्कशन समाप्त होता है, लेकिन अब जब आप नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में जाने गए तो हम बढ़ते हैं इसके वेस्ट में स्थित भारत के तीसरे फिजियोग्राफिक डिवीजन यानी कि इंडियन डेजर्ट की ओर।
दोस्तों अगर हम अरावली हिल्स के नॉर्थ वेस्ट की ओर गौर करें तो हमें यहाँ ग्रेट इंडियन डेजर्ट देखने को मिलेगा। ये एक अंडुलेटिंग टोपोग्राफी वाला लैंड है जो कि लॉन्गिट्यूडनल डून्स और बर्जन से भरा पड़ा है। दोस्तों अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये बर्जन क्या होता है। देखिए प्रीडोमिनेंटली एक डायरेक्शन से बहरे विंड के प्रेशर से बनने वाले कॉन्सेंट्रिक और कॉन्वेक्स शेप्ड लैंडफॉर्म्स हैं जो देखने में कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। दोस्तों राजस्थान की जैसलमेर सिटी खासतौर पर अपने बर्जन के लिए जानी जाती है। दोस्तों अगर हम रेनफॉल की बात करें तो इस पूरे रीजन में हमें लो रेनफॉल देखने को मिलता है जिसे यहाँ का एनुअल रेनफॉल 150 mm से कम ही रहता है, जिसके चलते यहाँ लो वेजिटेशन कवर पाया जाता है। जाहिर है कि लो प्रेसिपिटेशन और हाई इवेपोरेशन की वजह से ये एक वाटर डेफिसिट रीजन है और इंडियन डेजर्ट की इन्हीं विशेषताओं के चलते इन्हें मरुस्थली भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों रीजन हमेशा से ऐसा नहीं था। माना जाता है कि मेसोजोइक एरा में पूरा रीजन सी के अंडर था और इसी थ्योरी को प्रूव करने के लिए यहाँ पर अकाल में स्थित वुड फॉसिल्स पार्क और जैसलमेर के पास ब्रह्मसर में स्थित मरीन डिपॉजिट्स एज एन एविडेंस प्रेजेंट किए जा सकते हैं, जहां कार्बन डेटिंग की मदद से पता चलता है कि यहां मौजूद वुड फॉसिल्स अप्रोक्सीमेटली 180 मिलियन ईयर्स पुराने हैं। हालांकि दोस्तों जियोलॉजिस्ट्स का मानना है कि भारतीय मरुस्थल यानी कि इंडियन डेजर्ट का अंडरलेइंग रॉक स्ट्रक्चर पेनिनसुलर प्लेटू का ही एक्सटेंशन है, लेकिन एक्सट्रीम एरिड कंडीशंस, फिजिकल वेदरिंग और विंड एक्शंस की वजह से यहां पर यूनिक सरफेस फीचर्स देखने को मिलते हैं, जिनमें से मशरूम रॉक्स, शिफ्टिंग डून्स और इंडियन डेजर्ट के सदर्न पार्ट में मिलने वाले ओएसिस मोस्ट प्रोनाउंस्ड डेजर्ट लैंड फीचर्स हैं। दोस्तों वहीं अगर हम इंडियन डेजर्ट के ओरिएंटेशन की बात करें तो हम इसको इस आधार पर दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें इसका नॉर्दर्न पार्ट का स्लोप पाकिस्तान के सिंध रीजन की ओर है, जबकि इसका सदर्न पार्ट रन ऑफ कच्छ की ओर। देखा जाए तो इस रीजन की अधिकतर रिवर्स अफेमरल हैं, यानी कि रिवर्स बहुत लंबी दूरी तय नहीं कर सकती और नए साल के अधिकतर महीनों में अपना कंटिन्यूस फ्लो मेंटेन कर पाती है। साथ इस रीजन के अधिकतर स्ट्रीम्स कुछ दूर बहने के बाद या तो किसी लेक को ज्वाइन कर लेती है या फिर प्लाया में डिसअपियर हो जाती है, जिसे यहाँ पर इनलैंड ड्रेनेज का टिपिकल केस देखने को मिलता है। और इसी तरह की लेक्स या प्लायास में हमें ब्रैकिश वाटर देखने को मिलता है जो कि यहाँ पर सॉल्ट ऑप्टेन करने का मेन सोर्स है। फिर भी में डेजर्ट के सदर्न पार्ट में बहने वाली लूनी यहाँ की एक सिग्निफिकेंट रिवर है, जिसे नाम उसकी एक्सेसिव सेलिनिटी की वजह से मिला हुआ है। दोस्तों इसी के साथ हमारे इस लेक्चर सीरीज का थर्ड पार्ट समाप्त होता है। हम इस सीरीज के अगले लेक्चर में भारत के फिजियोग्राफिक डिवीजन के फोर्थ डिवीजन यानी भारत के प्लेटू रीजन के बारे में जानेंगे। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के रिगार्डिंग अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिए, ताकि हम भविष्य में आपके लिए और भी बेहतर कंटेंट लेकर आते रहें। और ये है आज का इस टॉपिक से रिलेटेड प्रीलिम्स क्वेश्चन, आप इसका भी जवाब हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर दें। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।